हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। अब एक्सेस में एक हमारे व्यूअर हैं जिनको प्रॉब्लम क्या है समझिएगा ध्यान से, शायद आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, तो आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। और इस वीडियो से आपको एकदम 100% गारंटी है कि सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो क्या है प्रॉब्लम उसको समझते हैं पहले, ठीक है। प्रॉब्लम इनको ये है कि ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट रन करते ही वन पैरामीटर मांगता है, बट क्वेरी में वो पैरामीटर इंटर बॉक्स नहीं आता है, तो बताएं कहाँ से दिक्कत है, ठीक है। इन्होंने फिर जो है लिखा है, सर मेरा रिपोर्ट बनाते हैं तो लास्ट में वन टेक्स्ट बॉक्स बना रहा है जिसमें टोटल बैलेंस दे तो नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो मैं पूरा एक डिटेल वीडियो आपको देता हूं और इसको देखिए और इससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेस का 2021 है हमारे पास, आपके पास जो भी वर्जन हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हमें ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है, क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये सिनेरियो आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो आएगी, फिर यहाँ से जाना है और यहाँ से डिजाइन व्यू पे जाना है, ठीक है। और इस टेबल को मैं क्या नाम दे देता हूँ, इस टेबल को मैं नाम दे देता हूँ, सपोज कीजिए प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, और ये टी कर देते हैं, तो ये प्रोडक्ट टी यानी टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर केवल आईडी रहने देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ नेम अंडरस्कोर लगा के लिखूंगा ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन सा डेटा टाइप होगा, तो ये जो है शॉर्ट टेक्स्ट होगा। आप अगर 2007 यूज करते होंगे तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट आपको मिलेगा, तो आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी प्राइस आएगी, तो यहाँ प्राइस हम डाल देते हैं, और प्राइस का जो डेटा टाइप होगा वो यहाँ से आप चूज करिएगा करेंसी, तो ये करेंसी डेटा टाइप हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्वांटिटी या यूनिट की बात कर लेते हैं, तो ये हो गया यूनिट। तो यूनिट जो है हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप रखेंगे, नंबर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फील्ड साइज में आके आपको इसे बना देना है डबल, तो ये डबल भी बना लीजिएगा ताकि हम डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाए, इस वजह से मैं यहाँ पे डबल दे रहा हूँ। यहाँ पर अब हमको टोटल कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल प्राइस कर देते हैं, यहाँ पे टोटल प्राइस कर दिया। और टोटल प्राइस कैलकुलेट कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप, ठीक है। अगर आप 2007 यूज करेंगे तो इसके लिए आपको अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। आसान है इसीलिए मैं 2021 यूज कर रहा हूँ। आप 2016 भी यूज करेंगे तो उसमें भी आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाएगा, लेकिन 2007 में तो आपको क्वेरी ही बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। अब देखिए प्राइस को अगर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा टोटल आ जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर के कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पे लिखिए प्राइस, क्योंकि फील्ड का नेम है प्राइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइस दिया भी गया है, और मल्टीप्लाई यानी स्टार का सिंबल लगाइए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिख दीजिए यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट भी दिया गया है, तो प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से, काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डाल के दिखाता हूँ आपको कि कैसे करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर राइस कर देता हूँ, RIC, तो राइस जो है यहाँ पर अब प्राइस है इसकी, तो यहाँ पे 60 रुपए किलो चावल है या 50 रुपए किलो चावल है। अब मान लीजिए आपने 50 किलो परचेस किया तो यहाँ पे टोटल प्राइस अपने आप कैलकुलेट होके आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे PULSE पल्स कर देता हूँ, तो पल्स की जो प्राइस है वो 150 रुपए किलो है, और यहाँ पर अगर 60 किलो दाल की बात की जाए तो यहाँ 9000 रुपए प्राइस अपने आप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो प्रोडक्ट है वो है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर है, तो ये यह यहाँ पर जो है इस तरीके से हम दे देते हैं। और इसका एक पैकेट जो है कितने का बिक रहा है, तो जैसे मान लीजिए एक पैकेट की प्राइस है 75 रुपए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 7 पैकेट हुए तो 7 पैकेट की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट है, जैसे रिफाइंड ऑयल है, तो यहाँ पे फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल कर देते हैं, फॉर्च्यून रिफाइंड REFINED ऑयल OIL, तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्राइस डालना है इसका, तो 150 रुपए एक पैकेट की प्राइस है, यानी 1 लीटर की प्राइस है, और 8 लीटर की बात करें तो यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से, देख सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसको हम क्लोज करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आईडी है इसे हमने बनाया है प्राइमरी की, कैसे पता प्राइमरी की है, यहाँ पर देखिए एक चाबी सी आपको दिख रही होगी, तो ये सिंबल है प्राइमरी की का, तो इसको आपको प्राइमरी की ही बनाना है, ठीक है।
तो इस टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी और यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल हो गई। इसको क्लोज कर दीजिए सेव करके। अब यहाँ पे क्रिएट पे आइए, दूसरी टेबल बनाइए। तो टेबल पे जाइए, क्लिक कीजिए, आप टेबल डिजाइन पे भी जा सकते हैं और यहाँ व्यू पे जाके, और इस टेबल का नाम मैं दे देता हूँ कस्टमर टी। तो इसको नाम दे दिया हमने कस्टमर टी और उसको नाम दे दिया प्रोडक्ट टी। तो यहाँ पर अब आएगा क्या, कस्टमर की आईडी आएगी। तो इसमें हम कस्टमर आईडी को क्या बना रहे हैं, प्राइमरी की बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया है और इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। इसका डेटा टाइप हमने क्या रख दिया, इसका डेटा टाइप हमने रख दिया है शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अब एक आईडी भी फील्ड हमें देना होगा, क्योंकि रिलेशनशिप जब भी क्रिएट कराना होता है तो एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आईडी एक कॉमन फील्ड रहेगी इसमें, और इसका डेटा टाइप नंबर कर देते हैं। वहां पे ऑटो नंबर था, यहाँ पे हम नंबर कर देते हैं, शायद ऑटो नंबर ही था। यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या दिया था, तो यहाँ पे देखिए ऑटो नंबर ही था। तो हम यहाँ पे नंबर कर देंगे, ऑटो नंबर यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको नंबर ही रख देना होगा, और यहाँ पर प्राइमरी की नहीं होगा, ये कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सी यू एस टी ओ एम ई आर, नेम ऑफ कस्टमर, और इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर जो है सिटी की बात आएगी, तो सिटी कर देते हैं, तो जो भी सिटी होगी वो यहाँ पे सिटी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सिटी के बाद होगा क्या, स्टेट एस टी ए टी ई, तो ये हो गया स्टेट, और स्टेट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। बस यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। तो यस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये हो गया कस्टमर आईडी, ठीक है। अब कस्टमर आईडी में अगर हम A01 डाल देते हैं, और यहाँ पे आईडी तो सेम रहेगी, वो उसी टेबल वाली, जैसे देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आपको दिखाई पड़ रहा होगा 1 है, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही प्रोडक्ट आईडी एंटर करनी है, और यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा, ठीक है। तो कस्टमर का नाम मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं राम RAM, और यहाँ पे कस्टमर की सिटी देवरिया, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट हो जाएगा यूपी, ठीक है। तो ये यूपी कर दिया, और फिर दूसरे अब देखिए ए जो लिखा है हमने, ये कैपिटल लिखेंगे, यहाँ से इसको कैपिटल कर लेते हैं, और यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे मान लीजिए दूसरे कोई कस्टमर होंगे तो उनका A02 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए लक्ष्मण, लक्ष्मण कर देते हैं, ये दूसरे कस्टमर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देवरिया के ही हैं और यूपी के ही हैं, तो ये यहाँ पे हमने डाल दिया। इसी तरीके से तीसरे कस्टमर होंगे तो उनकी कस्टमर आईडी अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, और यहाँ पे ईशा एक कस्टमर है, और इनकी भी सिटी देवरिया ही है, और यहाँ पर स्टेट यूपी ही रहेगा। तो ये कुल मिला के इस तरीके से हो जाएगा, और इसको क्लोज करेंगे सेव करके, और यहाँ से ये प्रोडक्ट वाले टेबल को भी क्लोज करेंगे। अब दोनों में रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, तो यहाँ आपको डेटाबेस टूल्स दिखाई देगा, और यहाँ से रिलेशनशिप पे चलिएगा। रिलेशनशिप पे जाइएगा तो साइड में ये एड टेबल मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कस्टमर वाला टेबल आ गया, यहाँ पे ड्रैग करके ले आइएगा, और ड्रैग करके माउस से इधर इसको लेके आ जाइएगा। अब देखिए आईडी कॉमन फील्ड मिल रहा है इसमें, तो आईडी को आईडी से लिंक करा दीजिए, और यहाँ पर इन तीनों पे टिक कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, और वन टू मेनी रिलेशनशिप ये बिल्ट हो जाएगा। देखिए बिल्ट भी हो गया। अब इसका फायदा क्या रहा कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट वाले टेबल में जाते हैं तो यहाँ प्लस का साइन दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको कस्टमर की भी पूरी डिटेल दिखाई पड़ती है। तो ये फायदा रहा रिलेशनशिप का। अब आ जाते हैं कहाँ पर, अब आ जाते हैं फॉर्म डिजाइन करने पर, ठीक है। अब हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, तो यहाँ से चलते हैं और फॉर्म विजिट से चलेंगे। तो ये विजिट पे आए, और हम चाहे तो एक क्वेरी भी बना सकते हैं इसके लिए, लेकिन चलिए हम फॉर्म डिजाइन करते हैं। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आईडी की जरूरत नहीं, नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, यूनिट, टोटल प्राइस ये ले लिया हमने, और फिर कस्टमर की डिटेल भी चाहिए। तो कस्टमर आईडी ले लेते हैं, और कस्टमर का नेम ले लेते हैं, सिटी स्टेट ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें लेकर के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और एक सब फॉर्म बनाना चाहते हैं लिंक फॉर्म, तो फिलहाल हम सब फॉर्म ही बनाएंगे। और यहाँ पर डेटा हम टेबुलर फॉर्म में रखेंगे यहाँ पे जाकर के, और इसको मॉडिफाई डिजाइन करेंगे। तो ये मॉडिफाई डिजाइन पे जाके क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सेटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा सेट वेट कर लीजिएगा यहाँ से जाके, कितना छोटा कितना बड़ा रखना है, तो यहाँ से ये छोटा बड़ा भी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से छोटा बड़ा हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर ये काफी बड़ा हो गया है, तो इसको यहाँ से ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। ये जाइएगा तो यहाँ से इसको इस तरीके से करिएगा, और ये यहाँ से जाके यहाँ पे आइएगा, और फिर यहाँ से जाके इस तरीके से आइएगा, यहाँ से जाके फिर इसको भी इस तरीके से छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद कंट्रोल एक, अच्छा इसको पहले हटा देते हैं, ऊपर ये जो लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, और एक हम यहाँ पे चाहे तो जो है कॉम्बो बना सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल कॉम्बो नहीं बना रहा हूँ, कई वीडियोज में बताया है कॉम्बो बनाना। और यहाँ पे कंट्रोल ए करके सबको एक ही बार में सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा डार्क रखेंगे, तो यहाँ क्लिक करके और बोल्ड कर लेंगे इसे, तो ये डार्क में थोड़ा कलर आ जाएगा।
अब ये बिल्कुल इसी तरीके से ठीक हो गया है। और यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर के और फॉर्म चूज करके और यहाँ से हम पॉपअप को यस कर लेंगे। ये जो है इसको यस कर लीजिएगा और यस करके ओके करिएगा और ये तो हो गया। अब लेकिन एक काम और रह गया है, क्या रह गया है ध्यान दीजिएगा, इसको पहले सेव करते हैं प्रोडक्ट ई नाम से, तो ये सेव ही हो गया है। हम एक क्वेरी भी बनाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे एक क्वेरी बनाएंगे। और कैसे क्वेरी बनाएंगे, देखिए ये होम टैब पे है, हमें कहाँ जाना है, क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी विजर्ड पे जाना, ये विजर्ड आपको दिख रहा होगा और पहला ही ऑप्शन हमें रखना है सिंपल क्वेरी विजर्ड। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चीजों को हमें लेना है, ठीक है। जैसे हमें प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं, टोटल प्राइस ले रहे हैं। इसके अलावा कस्टमर की भी डिटेल चाहिए तो कस्टमर आईडी, फिर यहाँ पर आईडी नहीं लेंगे हम, आईडी की जरूरत नहीं है, नेम ऑफ कस्टमर, सिटी और स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओके करते हैं और यहाँ पर ओके करके और इसको भी मॉडिफाई करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे ना तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कस्टमर आईडी में आकर के हम कस्टमर के बेस पे सर्च करेंगे, ठीक है, इस बार हम कस्टमर के बेस पे सर्च करेंगे। तो यहाँ हम फॉर्म के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म आ जाता है और फॉर्म्स के अंदर जाकर के और कौन सा फॉर्म है हमारा, तो यहाँ पर जो है हम जो है ये जो सब फॉर्म है हमारा उसके अंदर जाएंगे और कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करेंगे। तो एक्सक्लेमेशन लगा करके यहाँ पर कर दीजिएगा कस्टमर आईडी, ठीक है। तो ये जो कस्टमर आईडी है, लेबल आपको नहीं लेना है, ये ध्यान देना है। और यहाँ से जाकर के इसको सेव कर लीजिएगा, ये सेव हो जाएगा। तो अब जो है अब हमें क्या करना है, इसके बेस पर हमें जो है रिपोर्ट डिजाइन करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेरी बनाया है प्रोडक्ट टी क्वेरी, इसी के बेस पे हमें रिपोर्ट डिजाइन करना है, ठीक है। तो अभी क्रिएट पे चल के और यहाँ से रिपोर्ट विजिट पे जाएंगे और ये जो पूरा दिया गया है इसी के बेस पे हम क्वेरी मतलब रिपोर्ट डिजाइन करेंगे और हमारा मेन टेबल जो है कस्टमर वाला होगा। आगे बढ़ते हैं और हम इस तरीके से आगे चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके और यहाँ पर डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पर इसको कस्टमर टी आ रहा है तो कस्टमर आर कर देते हैं, रिपोर्ट बन रही है ये, और मॉडिफाई कर देंगे रिपोर्ट को। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देख सकते हैं ये आ चुका है। और इसमें फेरबदल जो करना है, बदलाव जो करने हैं, ये यहाँ पे आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो दिख रहा है उसको सही कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाकर के क्लिक कीजिए, ये हो गया। और यहाँ पर सिटी है, स्टेट है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। यहाँ से जाइए, इसको थोड़ा छोटा कीजिए, फिर इसको भी छोटा कर लीजिएगा, छोटा यहाँ से बड़ा कर लीजिए और इधर से आप छोटा चाहे तो कर सकते हैं इसको, ये हो गया। फिर इसी तरीके से कस्टमर आईडी को भी इधर से आप थोड़ा सा बड़ा करके और इधर से छोटा कर लीजिए ताकि यहाँ पे टोटल प्राइस अच्छे से दिखाई पड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हो गया, यूनिट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से चाहे तो, और बाकी ये नेम ऑफ प्रोडक्ट तो दिख ही रहा है तो प्राइस को भी थोड़ा सा इधर से इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से जाके थोड़ा छोटा कर लेंगे और ये नेम ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ से बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही आपको यहाँ पर आकर के ये थोड़ा सा ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। बैकग्राउंड बदलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सब कुछ आसानी है, यहाँ पे जाकर के और होम टैब पे जाकर के और यहाँ से चाहे तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो जो बैकग्राउंड लगाएंगे उसी बैकग्राउंड के कलर का ये आ भी जाएगा, ठीक है। और इस पर भी वही बैकग्राउंड कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये वाला बैकग्राउंड कर दिया हमने। अब इन सबको एक बार में सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे बोल्ड बना देते हैं, यानी ब्लैक करके और बोल्ड कर देते हैं तो ये थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैरामीटर वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A01 चूंकि हमने लिया है कस्टमर आईडी तो A01 करते हैं और एंटर करते हैं तो केवल A01 वाला कस्टमर का ही पूरा डिटेल दिखाई देगा। देखिए A01 वाला जो कस्टमर है वो क्या परचेज कर रहा है, राइस परचेज कर रहा है, कितने का कर रहा है, 50 रुपए का कर रहा है, यूनिट कितना है, टोटल प्राइस कितना है, कस्टमर आईडी कितना है, नाम क्या है, सारा डिटेल एक जगह आपको शो हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका है, ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फिर चेंज होगा तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, अभी तो ये है तो जब भी आप जाएंगे ना टेबल के अंदर तो आप अब रिपोर्ट के लिए जब भी जाएंगे तो रिपोर्ट जो देखना है, जैसे मान लीजिए
अब यहाँ पे A02 कर देंगे तो A02 वाला रिपोर्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पर आपको रिपोर्ट भी दिखाई देगा। तो देखिए ये A02 वाले का रिपोर्ट है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे A02 यहाँ पे सारा कुछ डिटेल आ रहा है, ठीक है। तो बस यही आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स ओपन है। बाकी आपको बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा इससे, और जो पैरामीटर क्वेरी जो नहीं आ रही थी, पैरामीटर जो नहीं आ रहा था, जो बॉक्स नहीं आ रहा था, वो आने भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका काम हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।